हाँ बच्चों, जैसे मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए खाली, जैसे विलोम शब्द को आप तो ऐसे शब्द में पढ़ते हो, उसके बाद मान लीजिए हम इसमें पढ़ते हैं ना, जैसे क्या है, कुछ लोगों की बुरी आदतों के कारण स्वच्छ वातावरण क्या हो जाएगा, खाली स्थान है, हो गया, क्या हो जाएगा, दूषित, है ना। इसमें स्वच्छ का क्या हो जाएगा, दूषित, स्वच्छ का दूषित। सोचा था सामान बेचकर लाभ होगा, पर लाभ का क्या हो जाएगा, हानि हो गई। यह बस आरामदायक है, पहली बार खाली स्थान थी, क्या हो जाएगा इसका, जैसे यह बस आरामदायक है, आरामदायक का उल्टा क्या हो जाएगा, यह बस आरामदायक है, पहली कष्टदायक थी, पहली क्या हो जाएगा, आरामदायक का क्या हो जाएगा, कष्टदायक, ठीक है, कष्टदायक। अच्छा, पहाड़ी की चढ़ाई कठिन है, पर पहाड़ी की चढ़ाई क्या है, कठिन है, चढ़ने में पहाड़ी क्या है, कठिन है, है ना, चढ़ाई कठिन है पर खाली स्थान आसान है, डैश खाली स्थान है ना, तो चढ़ाई के क्या हो जाएगा, उतराई। तो आप उसको याद करेंगे वो शब्द को, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मालिक के साथ खाली स्थान भी है, मालिक के साथ क्या है, इसे मालिक के क्या हो जाएगा, नौकर, मालिक के क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, नौकर, ठीक है। इसीलिए स्वच्छ का क्या हो जाएगा, दूषित, है ना, स्वच्छ का दूषित, दौ में दीर्घऊ की मात्रा, मुधनिष्य में हर्षई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, दूषित। लाभ का हानि, है ना, आरामदायक का क्या हो जाएगा, कष्टदायक। चढ़ाई का उतराई, मालिक का नौकर। इस तरह से आपको जो परीक्षा में होता है, क्या आप लोगों को पूछा जाएगा किसमें, हो सकता है वाक्य के द्वारा भी, है ना, इसको आपको दिया जाएगा, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं अभी अनेकार्थी शब्द, क्या पढ़ते हैं, अनेकार्थी शब्द, है ना। देखिए, अनेकार्थिक शब्द, अनेकार्थी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अनेकार्थी में जैसे ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, उसे अनेकार्थी। जैसे मान लीजिए इस समस्या का हल हम मिलकर निकालेंगे, है ना। अब देखिए, हल है, अवश्य सुकन्या, हल लेकर खेत पर जा रहा हूँ, मैं खाना लेकर आ जाऊँगी। जैसे समझ मान लीजिए यहाँ हल शब्द दो भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है, पहला क्या हो जाएगा, अब वाक्य को आगे, अगर आप वाक्य को समझिए, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक से अधिक शब्द, है ना, एक से अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, इस समस्या का हल हम मिलकर निकालेंगे, अवश्य माने एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, है ना, एक, है ना, इस समस्या का हल हम मिलकर निकालेंगे, है ना। तो सुकन्या कहती अवश्य, हल लेकर खेत पर जा रहा हूँ, मैं खाना लेकर आ जाऊँगी। यहाँ देखिए, यहाँ हल शब्द दो भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है, हल दो भिन्न अर्थों में, एक में क्या है, इस समस्या का हल हम मिलकर निकालेंगे, और दूसरा इसका वाक्य है, हल लेकर खेत पर जा रहा हूँ। दो हल है, एक समस्या का और दूसरा क्या है, एक हल लेकर वो खेत पर जा रहा है, ठीक है, किसान। जैसे मान लीजिए इसका पहला अर्थ है, जैसे क्या हो जाएगा, हम समस्या का हल निकालेंगे, ठीक है, हम समस्या का समाधान हम मिलकर निकालेंगे। हल का मतलब क्या हो गया, समाधान, ठीक ना, हल का मतलब क्या हो गया, समाधान, ये हो गया, समाधान निकालेंगे। और दूसरा क्या होता है, हल लेकर खेत जा रहा हूँ, यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि खेती का यंत्र, यानी खेती के जो हल होता है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो खेत में जाके हम लोग उसको हल चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं, यानी खेती का यंत्र। इसका मतलब क्या हो गया, हल का दो अर्थ हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, है ना। इसीलिए इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, दो शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर हल का मतलब क्या हो गया, एक हो गया समाधान और दूसरा हो गया क्या, खेती का यंत्र, क्योंकि एक समस्या का हल हम मिलकर निकालेंगे, माने हम इसका समाधान निकालेंगे। और दूसरा जो किसान कह रहा है वो क्या हो जाएगा, हल लेकर खेत जा रहा हूँ, है ना, हल लेकर खेत जा रहा हूँ, यानी वो अपना क्या हो जाएगा, खेती का यंत्र जो है, तो जो हल होता है जिससे वो क्या होता है, खेत को क्या करता है,
खोद मैंने कोड़ता है उस, इसीलिए वो लेकर जा रहा है, ये दो अर्थ हो जाता है। ठीक है,